हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या और आज हम देखेंगे कि कैसे आप हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर के ग्लोबल एडिशन में करेंसी मैनेजमेंट एंड सेटअप कर सकते हैं ग्लोबल एडिशन 8.1 में। साथ ही आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है तो आप डायरेक्टली इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारी वेबसाइट www.billingsoftwareindia.in में जाकर के या फिर जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेकआउट कर सकते हैं एंड लिंक डाउनलोड करके आप जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने पर आपके सामने ये जो विंडो ओपन होगी, यहाँ से आपको लाइसेंस एक्टिवेट करना होता है। सबसे पहले आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, देन आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होती है। सो इस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी जो है वो एंटर कर लेंगे, देन वेरिफिकेशन कोड आपको है सेंड करना है। जैसे ही आप सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे, आपको एक वेरिफिकेशन कोड जो है रिसीव होगा आपके मेल पे। देन आप वो वेरिफिकेशन कोड जो है वो यहाँ एंटर करेंगे, 6-digit वेरिफिकेशन कोड आपको रिसीव होगा। देन जैसे ही आप अपना वेरिफिकेशन कोड एंटर करते हैं, कंफर्म योर मेल पे क्लिक कर देंगे। देन ये कंफर्म करेगा एंड वेरीफाई होते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। सो सबसे पहले बिजनेस नेम फिल कर लेंगे। देन एड्रेस यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, देन स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे एंड फोन नंबर। जैसे ही आप ये बिजनेस डिटेल्स फिल करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछेगा क्या आप लाइसेंस जनरेट करना चाहते हैं, यस पे क्लिक करेंगे, देन ये रजिस्टर होगा। इस तरीके से आपका जो एक्टिवेशन है वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप क्या प्रेफरेंस लेना चाहते हैं, लाइक बिलिंग इंटरफेस के लिए पॉइंट ऑफ सेल या टच बेस्ड इंटरफेस, रेस्टोरेंट या कैफे के लिए, या फिर आप फॉर्म बेस्ड यूज करना चाहते हैं। फॉर्म बेस्ड पे आपको इस तरीके से A4 के A5 के आपको शो करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल पे आपको 72 mm या 58 mm के शो करेंगे एंड रेस्टोरेंट पे भी आपको इस तरीके से शो करेंगे। सो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे ये एडमिन एंड पासवर्ड मिलेगा, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। जैसे ही आप इसे नोट डाउन कर लेते हैं, आप सिंपली यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। सो अब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से आप जो आपने नोट डाउन किया था वो यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड कर देंगे। एडमिन एंड पासवर्ड, जैसे ही आपने एडमिन पासवर्ड ऐड कर दिया, सिक्योर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ आपको वेलकम डिटेल्स मिलेगी, यहाँ पे भी आप अपने डिटेल्स फिल कर देंगे। इस तरीके से आप अपनी सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर देंगे। देन यहाँ पे आप कंट्री ऐड कर देंगे,
स्टेट एंड सिटी। देन यहाँ पे जिप कोड, जो भी स्टार मार्क डिटेल है वो मैंडेटरी है। इसके अलावा जिप कोड, ईमेल अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फोन नंबर ऐड कर देंगे। देन आफ्टर यहाँ पे आपको जो है रीजन मिलेगा, यहाँ से आप अपने रीजन सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट वर्क भी करते हैं तो आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपके पास अवेलेबल होगा वो ऐड कर देंगे। कंपनी का लोगो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कंपनी का लोगो यहाँ से ऐड कर लेंगे। देन आफ्टर सिंपली इनेबल मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इनेबल मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन इनेबल करके सेव एंड गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे एंड देन ये आपको कंफर्म करेगा, आप इसे यस करेंगे। अब ये कंपनी जो है वो इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी है। सो इस तरीके से अब आप जो है सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ डिटेल्स एडिट करना चाहें तो सेटिंग पे क्लिक करके कंपनी पे क्लिक करेंगे, एडिट कंपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ से अगर कोई डिटेल एडिट करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको एक सिग्नेचर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप जो है अपनी बाकी की डिटेल्स एडिट या सेव कर सकते हैं एंड इसके अकॉर्डिंग ही जब आप जो है इनवॉइस क्रिएट करेंगे बाकी डिटेल्स में तो आपकी करेंसी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। सो इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं, लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं एंड अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। सो प्रॉपरली यूज़ करें एंड अगर कोई भी इश्यूज या क्वेरी आती है तो आप हमें जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे, सपोर्ट नंबर पे। यूज़ करके देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।